तो दोस्तों यहाँ पे दो एप्लीकेशन का नया अपडेट आया है, इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, साथ में आपको कौन सा नया फीचर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा एप्लीकेशन का अपडेट आया है। तो अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम एप्स अपडेटर पर क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको म्यू म्यूजिक का एक नया अपडेट देखने को मिलेगा, और जो वर्जन आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो मिलेगा 7.1.03.111.41.2i। ये वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया है कि जो भी बग्स था उसको फिक्स किया गया है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। उसके नीचे में आपको गैलरी का अपडेट देखने को मिलेगा, और गैलरी के अपडेट जो आपको नया वर्जन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3.4.9.10। ये आपको ग्लोबल अपडेट दिख रहा होगा, और इसमें भी जो बताया गया है बग्स को फिक्स किया गया है। ये आपको दो यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएंगे। जो आपको यहाँ पे लो सेगमेंट के डिवाइस देखने को मिलते हैं, अगर उस पर क्लिक करता हूँ सिस्टम एप्स अपडेटर में जाता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे म्यू म्यूजिक का अपडेट देखने को मिलेगा, पर आपको यहाँ पे गैलरी का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो गैलरी का वर्सन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कोई अपडेट नहीं किया है, तो पुराना यहाँ पे वर्सन गैलरी का देखने को मिल रहा है, नया वर्सन अभी इस डिवाइस में रिलीज नहीं हुआ है। पर दोस्तों ये जो आपको वर्सन देखने को मिल रहा है ये धीरे धीरे सभी डिवाइस में रिलीज किया जाएगा और सभी को ये वर्सन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करता हूं, इसको मैं अपडेट कर लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि इसमें आपको क्या फीचर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों एप्लीकेशन यहां पे अपडेट हो चुका है, चलिए मैं यहां से बैक हो जाता हूं। सबसे पहले म्यूजिक प्लेयर को यहां पे ओपन कर लेता हूं, और इसके पुराने वर्सन को भी मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं। और ओपन करने के बाद दोनों का अगर आप यहां पे इंटरफेस देख सकते हैं, इस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। माय म्यूजिक पे जाता हूँ तो माय म्यूजिक का इंटरफेस देख सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आपको थोड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे पुराने वर्सन में इंपॉर्टेंट और डाउनलोड वाला ऑप्शन देखने को मिलता था, पर इसमें ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऊपर में आपको डेली मिक्स का ऑप्शन मिलेगा, फेवरेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसमें आपको इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता था। ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ तो ऑनलाइन का इंटरफेस इस प्रकार का मिलेगा, और ये पांचों ऑप्शन इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे प्रो का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो प्रो को यहाँ पे गोल्ड कर दिया गया है। उसके अलावा सर्च वाले ऑप्शन पे अगर जाता हूं तो सर्च वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसमें आपको कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलने वाला है। सेटिंग पे चला जाता हूं तो थ्री डॉट पे अगर क्लिक करता हूं, थ्री डॉट पे क्लिक करना इस प्रकार का इंटरफेस यहां पे देखने को मिलेगा। सेटिंग पे अगर क्लिक करता हूं तो सेटिंग पे क्लिक करने बाद देख सकते हैं आपको सेम यहां पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। तो थोड़ा बड़ा यहाँ पे जो चेंजिंग है वो किया गया है, बाकी आपको सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं गैलरी के बारे में कि गैलरी में क्या आपको यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे गैलरी को ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है, और अगर पुराने वर्जन को मैं यहां पे ओपन करता हूं तो आप यहां पे देखिएगा पुराने वर्जन में आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहां पे देखने को मिलेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोनों में आपको सेम इंटरफेस यहां पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहां पे स्वैप करता हूं तो आप देख सकते हैं इसको स्वैप करने के बाद इसमें भी आपको सेम वैसा ही देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई भी चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें देख सकते हैं काफी यहाँ पे छोटा होता है, इसमें भी आप यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। एल्बम वाले सेक्शन में जाता हूँ तो एल्बम वाले सेक्शन में जाने के बाद इंटरफेस आपको सेम देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पुराना वर्सन इस प्रकार का देखने को मिलता था, पर नए वर्सन में आपको ट्रेस बिन का, ट्रेस का और क्लियर ट्रेस फाइल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ क्लीनर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर थ्री डॉट पे क्लिक करता हूं, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहां पे इंटरफेस देखें तो आपको यहां पे सेम देखने को मिल रहा है। सेटिंग पे क्लिक करता हूं तो सेटिंग का इंटरफेस आप यहां पे देख सकते हैं, सेटिंग के इंटरफेस में भी आपको यहां पे कोई चेंजिंग देखने नहीं मिलेगा, सेटिंग का इंटरफेस आपको यहां पे सेम देखने को मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों इसको कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको इसका एपीके फाइल मिल जाएगा, जाके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।